एनबीए के लेजेंडरी प्लेयर रेगी मिलन ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा ये जो गाना है उसका कनेक्शन रेगी मिलन के साथ है। क्या है पूरी खबर, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। आपने वो गाना देखा होगा दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। दरअसल ये जो गाना है इसमें आपने सुशांत सिंह राजपूत की अगर टी शर्ट को नोट किया हो तो वो टी शर्ट जी हाँ इंस्पायर है रेगी मिलर की टी शर्ट से। उन्हीं की सेम टी शर्ट को उन्होंने पहना है और इतना ही नहीं जो वो गाने के मूव्स हैं वो इंस्पायर है मिलर के इनसाइड कोर्ट मूव से। ऐसे में जब ये गाना रिलीज होता है तो रेगी का ध्यान भी इसकी तरफ जाता है और वो एक बहुत ही प्यारा कमेंट जो है लिखते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा ही स्टोल माई मूव्स। जी हाँ उन्होंने ये लिखा कि मेरे मूव्स चुरा लिए, लेकिन वो आगे लिखते हैं His memory and these moves will live on, gone but not forgotten. वो भले ही चले गए हों लेकिन वो भुला उनको भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी श्रद्धांजलि दी है। सबसे बड़ी बात यह है इस सब का क्रेडिट जो है सुशांत फैंस को जाता है क्योंकि जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ तो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने जो है डायरेक्ट रेगी मिलर को जो है टैग किया और लगातार जो है उनको टैग करते रहे और तब तक टैग करते रहे जब तक उनका ध्यान नहीं गया। और जैसे ही उनका ध्यान गया तो उन्होंने इस तरह से जो है सुशांत के लिए श्रद्धांजलि लिखी है और एक बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने अपने इसमें कही है। तो कहीं ना कहीं फैंस ने जो कोशिशें की थी वो सफल रही और फैंस जो चाहते थे कि मिलर जो है कुछ बोले सुशांत सिंह राजपूत पर, उनके मूव्स को देखे और देखे कि किस तरह से सुशांत ने हूबहू कॉपी किया है, किस तरह से सुशांत ने हूबहू इंस्पायर होकर कॉपी किया है, और यही बात हुई और उन्होंने इस बात को नोट किया और उस पर जो है कमेंट किया। ये गाना जो है वन टेक शूट हुआ है, जिस तरह से फरहान ने बताया कि पूरा एक दिन इसकी रिहर्सल हुई थी और आधे दिन में इसे शूट कर लिया गया था और ये गाना जो है बहुत सारे लोगों के दिलों को जीत रहा है।